आज 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पछवाड़ू क्षेत्र में कई जगह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं एवं स्थानीय लोगों ने योग में प्रतिभाग किया। इस दौरान संचालित योग कार्यक्रमों में विभिन्न योगाचार्यों ने शामिल प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। विकास नगर के श्री हनुमत धाम मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त संगठनों के बैनर तले भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इसके अलावा काफी संख्या में लोगों ने मीडिया के विभिन्न साधनों के माध्यम से योग का ऑनलाइन अभ्यास किया। इस अवसर पर अभ्यास कर रहे लाला बलवीर ग्रोवर ने योग के महत्व के विषय में कहा कि शरीर को फिट रखने के लिए योग का अभ्यास किया जाना अति आवश्यक है। साथ सभी से प्रतिदिन योग करने की अपील की है। योग गुरु राजेश राठौर ने बताया कि आज के व्यस्त जीवन में योग आवश्यक है। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग कक्षा के दौरान अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, मंडूकासन, गोमुखासन, वृक्षासन, धनुरासन, प्राणायाम आदि कराए, साथ उसके फायदे गिनाए। इस अवसर पर श्री हनुमत धाम के महंत विष्णु महावत, पंडित जीवन चंद भट्ट, पंडित मदन राज भट्ट, संजय अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, कविता चौहान, अनिल जैन, अमृतलाल कश्यप, कार्तिक राणा, राजेंद्र कन्नौजिया, अतुल महावर, गिरीश वर्मा, संजीव राणा, राधा भट्ट, महेश भट्ट, दिनेश जायसवाल, रुद्र बहादुर शाह आदि मौजूद रहे। प्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति जाहिर कर रही है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और विशेष रूप से हनुमत धाम में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं जो योग करने आए बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। और योग से जैसा कि आपको मालूम ही है कि योग हम करेंगे नित्य तो रोग भगाएंगे, और योग जो है जब भी होगा जब सुबह उठेंगे हम, और योग से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। मन बुद्धि चित्त निर्मल होता है, और एक जब आदमी सुबह उठता है ना मूड भी फ्रेश रहता है। हर तरह से योग लाभकारी है और इसी कारण से योग आज विश्व के अंदर प्रसिद्ध हुआ है। और इसके लिए विशेष रूप से मैं बाबा रामदेव का और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारत को जो हमारी प्राचीन पहचान थी उसे पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त हुई और विकसित किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बाबा रामदेव जी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी बाधित हैं, योग हमारे शरीर शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता है। इसी प्रकार से हमें स्वस्थ रखता है और हमें हर तरह से फिट रखता है। जैसे हम प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक शोधन करते हैं, आंतरिक शोधन करते हैं। योगाभ्यास के माध्यम से हम शारीरिक चुस्त फुस्त करते हैं अपने आप को। ये सब स्वास्थ्य संबंध आज यहाँ पर मुख्यतः जो खास खास योग आसन कराए गए हैं कौन कौन से रहे हैं वो? इसमें मुख्यतः प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, वातकम कपालभाति और सूक्ष्म व्यायाम, सभी ग्रैंड मूवमेंट के लिए सूक्ष्म व्यायाम। जैसे मंडूकासन बहुत ही लाभकारी अभ्यास है, शुगर के पेशेंट के लिए रामबाण का काम करता है। जैसे आजकल उसमें अधिकतर ये पेशेंट आते हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको बीपी हाई बढ़ जाता है, उनके लिए अनुलोम विलोम रामबाण का काम करेगा। जैसे कि आज के समय में एक गृहस्थी जीवन में तनाव की भी स्थिति हो रही है, उसको योग के हिसाब से किस हिसाब से आप क्या जानकारी देंगे? तनाव के लिए तो जैसे ध्यान है, प्राणायाम है, इसके लिए आपको कंटिन्यू जो है बने रहना पड़ेगा। योग से योग को एक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा।
तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और एक आध्यात्मिक और अग्रसर करता है। जब हम इसको साथ लेते हैं तो एक आध्यात्मिक मार्ग हमें जो है, जैसे कि आज आपने अभ्यास भी कराया है और यहाँ पर कुछ युवा बच्चे भी थे जो कि बहुत कम उम्र के हैं अभी, और कुछ यहाँ पर आ नहीं पाए हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? उनको अभी तो पूरा विश्व जागरूक हो चुका है, हम जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे आजकल की इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए योग को करना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, मानसिक रूप से भी वो चुस्त पुस्त रहेंगे, बहुत लाभकारी है योग, हर तरह से हमें लाभ देता है, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। खासकर युवाओं के लिए संदेश है, उन्हें भी भाग लेना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी बंधु बांधवों को, माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। अनुभव योग और प्राणायाम जीवन की एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, हम अपने मन को, इंद्रियों को संयमित रख सकते हैं, और जिसके माध्यम से हम उस परम पिता परमात्मा को, जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया, उसको प्राप्त करने का यह सबसे बड़ा साधन योग एवं प्राणायाम है। आज के गृहस्थी जीवन में तनाव बहुत ही बढ़ चुका है, और ऐसे में एक समय ऐसा भी आया योग अभ्यास के दौरान जब आपने सबको यहाँ पर हंसा दिया हास्य आसन से, क्या बताएंगे उसके बारे में, उसका क्या महत्व है? योग के बाद सबसे बड़ा जो अंतिम आता है हास्य आसन। हास्य आसन एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे सब इंद्रियाँ, ब्लड सर्कुलेशन उन इंद्रियों में सुचारू रूप से संचालित होने लगता है, और कोई भी यदि बीमारी हो, इवन पैरालिसिस तक की बीमारी और हमारी मानसिक बीमारी इससे दूर हो सकती है। तो हास्यासन, वैसे तो हम जीवन में बहुत कम हंसते हैं, हर पल बहुत हंसते हैं, लेकिन हमने देखा कि कहीं कहीं हास्य क्लब होते हैं जहां आधा आधा घंटे तक लोगों को हंसा करके उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो इस हास्यासन को अपने जीवन में अवश्य अपनाएँ, जिससे कि हम तनाव मुक्त और रोग मुक्त रहें। आज युवाओं को क्या संदेश देंगे इस मौके पर? युवाओं को यही संदेश है, यदि जीवन में एक सफल नागरिक बनना है तो आपको योग को अपनाना होगा, इसको ग्रहण करना होगा, तभी आप योग के बिना आपका जीवन अधूरा है। मैं पहले योग दिवस पर सबको इसकी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ, और जो यहाँ पर योग कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है, और बीच में लोगों ने इसको करना बंद कर दिया था, लेकिन उससे लोगों को अपने जीवन में बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, और उसके बाद जो है लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिला, जिससे योग की प्रति अब पूरे विश्व में, पूरे भारत में प्रचलित हुई है। और ये काम जो है प्रभु मोदी जी की दया से और बाबा रामदेव की दया से उनको सिखाया गया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी उम्र के हम उम्र हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको योग के बारे में क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? उनको भी सुबह सुबह उठकर योग करना चाहिए, इससे शरीर बहुत खुलता है, शरीर मन प्रसन्न होता है, मन में शांति प्रदान होती है, और इससे स्वास्थ्य के भी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हो। चैरिटी चैरिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज यहाँ कार्यक्रम करवाया जा रहा है। मैं संदेश तो ये देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें, और ऐसा नहीं 21 तारीख को ही 21 जून को ही करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन योग हमें रोज़ करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और साथ ही साथ युवाओं को भी संदेश देना चाहूँगा कि वो भी जो है डेली शेड्यूल में योग करें, और क्योंकि आजकल के जो युवा हैं
वो बहुत मतलब सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, बहुत आलसी हैं और ऐसे कार्यक्रम मतलब योग ऐसे चीज़ें नहीं करते, डेली शेड्यूल पे वो योग करें और स्वच्छ। आप युवाओं को इसके लिए जागरूक करने के लिए क्या संदेश देंगे जो नशे की प्रवृत्ति में जा रहे हैं? नशे की प्रवृत्ति में कहना चाहेंगे कि नशा ना करें, क्योंकि ऐसा है ना, तो सिर्फ बोल सकते हैं करना तो फिर उनको तो खुद ही करना पड़ेगा। यही है, नशे ना करें, नशे से अपना स्वास्थ्य खराब ना करें, रोज मतलब स्वास्थ्य नशा छोड़ें, और इसके लिए सरकार को भी सख्त कानून बनाने चाहिए और सख्त कार्रवाई। पहले शेर की दाढ़ करेंगे, शेर की दाढ़ करेंगे, एक दूसरे पर हमला करेंगे, जिस प्रकार से शेर हमला करता है उसी प्रकार से हमला करेंगे, प्रारंभ करेंगे सिंह की दाढ़ से, राजेश जी, फिर जो है सामने करेंगे, प्रारंभ करेंगे कौन? हाथों को लगाएंगे चेहरे पर।